Next question. Uh, question says A mass m is placed on a very smooth wedge resting on a surface without friction. वंस द मास इज़ रिलीज़्ड, द एक्सलेशन टू बी गिवन टू द वेज सो दैट द मास एम रिमेंस एट रेस्ट और हमें बताना है कि एक्सेलेन ए कितना होएगा ना हमारे चार ऑप्शन है ए इज़ अपलाइड टू द लेफ्ट ए की वैल्यू जी टेन थीटा ए इज़ अप्लाईड टू द राइट वैल्यू जी टेन थीटा ए इज़ अपलाईड टू द लेफ्ट वैल्यू इज जी साइन थीटा ए इज़ अपलाईड टू द लेफ्ट वैल्यू इज जी कॉसिटा बहुत सिंपल सवाल है सूडो फोर्स की बहुत सिंपल एप्लीकेशन है तो सवाल ये है कि ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे बना हुआ है यह आपका एंगल थीटा है यहाँ पे आपने मास एम को रखा है और इस मास एम को जब रखा है हम चाहते हैं कि के इस केस में हम इसको एक एक्सलेशन दें इस प्रकार सच दैट ये जो मास है इसके साथ फिक्स्ड उस पर रहे इन दोनों का रिलेटिव मोशन ना हो उसके लिए हमें एक्सोलेशन इस डायरेक्शन में देने की ज़रूरत है बिकॉज इसका अगर आप एफ बनाएंगे एक फोर्स आपका एम लग रहा है उस एम की वजह से एक इधर जी साइन थीटा फोर्स एक्सोलेशन आएगा एम जी साइन थीटा हालाट फ्रिक्शन लेस है तो ऊपर फ्रिक्शन uh, इसको रोकेगा नहीं तो ये जो जी साइन थीटा इधर फोर्स आएगा जो इसको इधर मूव करवा है उसे रोकने के लिए हमें एक फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए होगा तो ये जो आपका सूडो फोर्स यहाँ पे लगेगा अगर आपने इसको इस तरफ मूव किया है ए एक्सोलेशन से पीछे सूडो फोर्स लगेगा इस सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट आएगा वो इसको बैलेंस करेगा और उसी से अपनी ए की वैल्यू भी आ जाएगी हालाइट सो right? uh, so अगर एंगल देखेंगे तो ये अगर अपना एंगल थीटा है सो so, ये वाला एंगल भी आपका थीटा होएगा तो इसका ये जो कंपोनेंट हुआ दिस विल बी इक्वल टू एम ए थीटा तो हमारी कंडीशन ये हो गई एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए थीटा और एम विल गेट कैंसल्ड यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए बाय जी या इसको जी यहीं रख लेते हैं विल बी इक्वल टू जी एम्प्लाईज़ आपका ए हो गया जी टेन थीटा सो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वैल्यू जी टेन थीटा एंड फोर्स अप्लाइड टूअर्ड्स द लेफ्ट वुड बी द राइट आंसर